ये याक के बाल का बना हुआ है, ये देखो याक के बाल, इतनी बर्फ पड़ी हुई है ये देखो इतनी। दूर में आग, अभी मैं बना रही हूँ खुद के लिए एग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी हो, आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से, तो बाकी हवा चल रही है यहाँ पर बहुत तेज़ और में, और मासी जा रहे हैं पानी भरने के लिए। देखो हाई चे, तो मासी की पीठ में ना 20 लीटर है, दो तो एक ना दीदी लाएगी, दीदी गई है आज माला जपने के लिए। और बाकी ये देखो मैं ना सेव में ला रही हूँ 20 लीटर का कैन चक्के, क्योंकि मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है इसलिए, तो पीठ में लाऊंगी। बाकी गाइस मुझे लगता है ना कल बर्फ पड़ जाएगा, मतलब आज का वेदर देख के, तो इसलिए हम पानी भरने जा रहे हैं। कल बर्फ पड़ गया तो थोड़ा हमारे को आसान होगा पानी भरने के लिए, इसलिए आज मैं और मासी पानी भरने जा रहे हैं। और बाकी पापा भी आ चुके हैं और पापा फाड़ रहे हैं लकड़ी, क्योंकि लकड़ी ना खत्म हो गया है। और कल और परसों ना बर्फ बता रहे गूगल में, तो पता नहीं पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो बाकी चलो अभी पानी भरने चलते हैं, और इसके बाद ना हमें लकड़ी भी अंदर करने को है, तो काफ़ी सारा काम है। तो चलो पहले चलते हैं पानी भरने, और आप उनको बैक कैमरा करके आज का वेदर दिखाते हैं। तो गाइज ये है आज का वेदर, ये देखो खराब है, आज दिन भर मौसम खराब था, धूप इतना तेज नहीं था। बाकी आसमान में ना ये बादल इतने मस्त दिख रहे हैं, ये देखो। तो बाकी मासी चले गए हैं आगे, तो चलो चलते हैं पानी भर के आते हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं, तो चलो अभी पानी भरते हैं। भर गया गाइज पानी। तो गाइज ये देखो मैंने पानी उठा लिया, तो अभी चलो चलते हैं घर। गाइज बहुत ज्यादा भारी है कैन, तो अब आपको मिलते हैं सीधा घर पहुंचने के बाद, बाय बाय। तो दोस्तों ये देखो पापा फाड़ रहे हैं लकड़ी, और ये देखिए मासी। तो अभी मेरे को और मासी को ना ये जो जितने भी लकड़ियाँ हैं सारे अंदर करनी है। तो बाकी मैं एक बार क्लोज से आपको ये दिखाती हूँ, ये जो रस्सी है ना ये याक के बाल का बना हुआ है, ये देखो याक के बाल का ना ऐसे रस्सी बनाते हैं, ये देखो। तो बाकी चलो अभी जल्दी जल्दी ये लकड़ी अंदर करते हैं, और बाकी हवा चल रही है यहाँ पर बहुत तेज़, तो बाकी इस थैले में भी भरते हैं लकड़ी और एक लीटे में भी। तो दोस्तों अब हो गया, हमने सारा लकड़ी अंदर कर लिया। तो बाकी अभी ना मुझे ये जो छोटे छोटे लकड़ी है ना इनमें ना झाड़ू लगाना है, तो झाड़ू है ये वाला जिससे हम बर्फ साफ करते, तो झाड़ू से ये जो छोटी छोटी लकड़ी है इनको उठा के टब में डालना है, इस टब में। तो चलो उठाते हैं और अंदर चलते हैं, बाकी ठंड है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमने ना जो छोटी छोटी लकड़ी है ना वो सारे एक टब में डाल दिए इनको, तो अभी हमारा काम यहाँ पर होता है डन। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अंदर, और अभी मैं जला रही हूँ आग। तो मैं ना रात के लिए दाल भिगो रही हूँ, माश की दाल और चने की दाल। तो बाकी इसके बाद हमने बनाया ये एप्पल का शेक, तो पता नहीं क्या बोलते इसे, तो मिक्सर में ना हमने ग्राइंड कर लिया, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी था ये। हेलो एवरीवन, सेम व्लॉग अनदर डे। तो आज है व्लॉग का दूसरा दिन, और दोस्तों यहाँ देखो बर्फ पड़ चुकी है, तो पापा मासी मैं हम तीनों उठा रहे हैं बर्फ। और अभी टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम बज रहे हैं सुबह के 7, तो बाकी मौसम आज भी खराब है, तो बहुत तेज़ हो चुकी है। तो दोस्तों उठा लेते हैं बर्फ, ये देखो तो अभी ने यहाँ का थोड़ा बहुत उठा लिया है, और बाकी जो इस वाले छक्के ना पापा उठा लिए, तो अभी पापा नहीं उनको नीचे उठा रहे हैं। तो गाइस ठंडा है तो मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, चलो उठाते हैं बर्फ। तो दोस्तों ये है आज का वेदर, ये देखो मौसम अभी भी खराब है, और बाकी इतनी इतनी बर्फ पड़ी हुई है, ये देखो इतनी इतनी। लियो ये देखो हमारा लियो। तो दोस्तों बाकी हम घर के आगे का सारा बर्फ उठा लिया, तो अभी हमने अभी यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर तक बर्फ उठाने, और उसके बाद पहले साइड को, उसके बाद जाएंगे हम छत में, और उसके बाद जाएंगे हम दूसरे जो घास वाले छत का। तो बहुत सारा है बर्फ उठाने को, ये देखो आप उठा रहे हैं, ये देखो अभी यहाँ से पूरा ऊपर तक उठाना है हमें बर्फ। बाकी रालियो
दोस्तों हमने ना नीचे के जो साइड साइड के घर के कोने कोने का सारा बर्फ उठा लिया है, तो अभी मैं आई हूँ पूरा सारे छत के बर्फ उठाने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। तो चलो जल्दी जल्दी उठाते हैं बर्फ। और ना बीच बीच में इतनी तेज हवा आ रही है ना, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है हाथ उठ में। तो बाकी मैंने ग्लव्स भी पहने हैं बट फिर भी ठंड लग रहा है। तो चलो उठाते हैं जल्दी जल्दी बर्फ। और बाकी अभी फिर से बर्फ हो रहा है हल्का फुल्का। देखो मेरे मासी आ चुके हैं छत पे और पूरा छत से ढका हुआ है। देखो और बहुत तेज हवा चल रही है। बाकी पापा रहे वो नीचे, तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड है और फोन करने के लिए मेरे वाले से भी नहीं है। तो पहले पूरा क्लीन कर देते हैं उसके बाद दिखाते हैं सबको। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहे। गाइस यहाँ पीछे देखो मासी को नींद लगा हुआ है। तो हमने ना छत का सारा बर्फ उठा लिया, तो अभी ना हमें यहाँ थोड़ा सा बचता है ये वगैरह उठाने को, तो इसके बाद होता है हमारा काम कंप्लीट। तो बाकी अभी ये जल्दी जल्दी साफ करके अंदर चले जाएंगे और भूख भी लगी है मेरे को तो बहुत ज़्यादा। पर मिचुंग हाय। तो चलो ये थोड़ा सा रहता है 5 मिनट का काम है, तो जल्दी जल्दी उठाते हैं इनको। बाकी ये रहा हमारा खेम, ये देखो खेम बोलते हैं हम इसको, तो हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो चलो उठाते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा बर्फ उठाने का काम कंप्लीट। तो अभी चलो अंदर चलते हैं और खाना बनाते हैं। तो अभी मुझे खाना भी बनाने को है, तो बाकी चलो। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ गाय को घास देने के लिए। तो ना बाकी बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देखो देख सकते हैं आप लोग। तो और साथ में ना हवा भी बहुत तेज आ रहा है। तो चलो गाय को दे के आते हैं घास। देखो दोस्तों अभी सुबह हमने बर्फ उठाया था और अभी बर्फ इतना पड़ चुका है ये देखो यहाँ पर। बाकी चलो गाय की खुट के अंदर चलते हैं। ये रही अंदर हमारी गाय। तो गाइस ये रहा घास। तो चलो अभी अंदर इसको ना दे के आते हैं। तो दोस्तों मैं जला रही हूँ तंदूर में आग। ये रहा तिल, गोबर का है तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ खुद के लिए एग, फ्राई एग। गाइस हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस मुझे सिंपल खाना पसंद है। तो गाइस चलो अंडे को करते हैं फ्राई। दोस्तों हो चुका है मेरा एग रेडी। तो गाइज बाकी ये था मेरा आज का व्लॉग। होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।